फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके मोबाइल में या डबल टैप का आपको यहाँ पे आपको टॉक बैक यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, तो आपको कैसे इसको बंद करना है। तो आपको जो मोबाइल है इसे चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आपको डबल टच करना पड़ता है, तब उसके बाद आपका जो मोबाइल है वर्क करता है, उसके बाद ये साउंड में साउंड आता है। तो अब क्या करें अगर आप बंद करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा दो तरीके। तो जैसे कि आप हम जैसे यहाँ पर मोबाइल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेटिंग जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें दो बार टच करना पड़ रहा है, तब जाके हमारा जो मोबाइल ये सही से चल पा रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दो तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे कि आप ऊपर वॉल्यूम और अप और डाउन वाला जो बटन है ये आप एक साथ दबाकर भी इसे कर सकते हैं। अगर ये आसानी से हो जाता है तो आपको कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर सेटिंग जाने की ज़रूरत नहीं। अगर बाई चांस अगर आपका जो ऊपर वॉल्यूम अप और डाउन अगर ये दोनों एक साथ दबाकर भी आपको जो डबल टैप वाला जो फीचर है ऑन हो चुका है ये बंद नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको दूसरे तरीका है जो आपको सेटिंग में जाकर बंद करना है ये बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है कमेंट करने और लाइक करने और अपने दोस्तों में शेयर करने, बस आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद फिर हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर आपको हमारे YouTube चैनल से फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अप और डाउन बटन दोनों एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे हम एक साथ प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर जो टॉक बैक का जो ऑप्शन है यहाँ पर बंद हो जाता है। अगर इस सिचुएशन में आपका जो टॉक बैक है बंद नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। तो अब हमने यहाँ पर दो तीन बार यहाँ पर कोशिश कर चुके, यहाँ पर ये अप डाउन यहाँ पर बटन यहाँ पर हमने दबाया, फिर भी जो है तो यहाँ पर बंद नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाएंगे और सेटिंग में जाकर इसको बंद करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेके आगे तक पूरा देखना है, जब तक आपको समझ ना आए इसे रिप्ले करके देख लेना है, तब आप समझ जाएंगे। इसके बाद ही आप कहना कि आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा क्या ये प्रॉब्लम है और कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो चलिए अब हम जाएंगे हमारे मोबाइल के सेटिंग के अंदर। अब सेटिंग में जाके इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हम यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, अब हम डबल टैप करना होगा तब जाके हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे, वरना ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें बस इसकी कहानी इसकी स्टोरी सुनती रहनी पड़ेगी। तो हमने डबल टच किया, सेटिंग में गए। अब आपको सेटिंग में क्या देखना है, तो आप देखेंगे गलती से कहाँ भी ये टच हो जाता है। इसमें जाना था जापान पहुँच गए चीन, इस तरह का मामला आपके साथ होता है जब ये टॉक बैक एक्टिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके सेटिंग में जाना है, मोबाइल सेटिंग में जाना है और आपको देखना है एक्सेसिबिलिटी। आपको एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर देखना है, जहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी मिल जाए आपको सेटिंग में जाकर देखना है। सेटिंग में मोर सेटिंग में जाना है, मोर सेटिंग में आपको देखेंगे नीचे आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको डबल टैप करना है, यानी आपको दोनों उंगलियाँ एक साथ उस पर रख लेनी है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ऐसे आपको करना है। तो ये देखिए हो चुका ओपन, तो यहाँ पर आपको टॉक बैक देखना है, जो टॉक बैक हमें नज़र आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा डबल प्रेस करेंगे, जैसे भी हम यहाँ पर डबल टैप करते हैं ये जो फीचर यहाँ पर ऑन होगा, तो इसको हम यहाँ पर डिसेबल कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पर डबल टैप करना है दोनों उंगलियों से, तभी आपका जो है तो डबल टैप का ऑप्शन जो फीचर है जो बंद हो जाएगा। तभी हम यहाँ फिर से एक बार इसको टैप करेंगे, ये हो चुका हमारा बंद, तो इसके फिर से ओके कर देना। ये इस तरह से आप यहाँ पर टॉक बैक का जो फीचर बंद कर सकते हो। उम्मीद करते हो आज के वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसे लगा जल्दी से हमें बताया, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय।